यहाँ पर मैं और वीडियोस जैसे सेम चीजें नहीं बताने वाला हूँ। आप जानते ही हो हम यहाँ हमेशा कुछ डिफरेंट और सीक्रेट कंसेप्ट्स पर ही बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके ब्रेन पावर को 100% करने के लिए पूरा हर एक चीज का पैकेज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। इसमें कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस और कुछ बॉडी वर्कआउट्स और कुछ फूड एंड अलग अलग तरह की सीक्रेट चीजें होंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बात की थी कि अगर हमारा ब्रेन 100% एक्टिव हो जाए तो हमारी क्षमताएं कहाँ तक बढ़ जाती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो काफी लोगों का सवाल था कि हाउ टू रीच फुल कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन, कैसे हम माइंड पावर को फास्टली इंक्रीज करें। तो इसको इंक्रीज करने के साथ साथ सभी चीजें डेवलप होती हैं, सारी की सारी स्पिरिचुअल चीजें, सभी की सभी फिजिकल चीजें और साइकिक पावर्स और एवरीथिंग। यार आप कुछ भी ले लो, इसे हर चीज में आपको फायदा ही मिलेगा। सो जो चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ आपकी ब्रेन पावर के लिए, उन सब में से अगर आप कुछ पर भी थोड़ी सी मेहनत करते हो, जो भी आपको अच्छा लगे और जो आपको अपने हिसाब से लगे कि यार इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो भी आपको काफी शॉकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मंथ के अंदर। दिस इज ब्रेन ब्लास्ट, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि आपने सुना होगा कि हेल्दी ब्रेन सिर्फ और सिर्फ हेल्दी बॉडी में ही रहता है, तो एक तो आपको अपने शरीर पर थोड़ा फोकस करना होगा। और दूसरी बात, ब्रेन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोस्टली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो उन दोनों को अलग अलग तरह से ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसली हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं और कुछ चीजें सबकॉन्शियसली। मोस्ट ऑफ जितना हो सके मैं वही चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि ओवरऑल वो चीज हर जगह काम करे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बॉडी से ही। तो बॉडी की बात आई ही है, तो बॉडी किन दो चीजों पर डिपेंड होती है? ऑफ कोर्स हमारे खाने पीने पर और एक्सरसाइजेस पर। तो मैं जो चीजें बताने वाला हूँ इनमें से जो आप खा सकते हो उन्हें जरूर खाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फैटी फिश आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमारा ब्रेन 60% फैट से ही बना होता है। और ब्लूबेरीज जितनी हो सके उतनी खाएं, एंड ब्रोकोली में विटामिन के होता है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज कर रहे हो। आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हो और नट्स, ऑरेंजेस, एग्स, कॉफी, बस इतना ही। चीजें तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अब ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें से कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, तकरीबन सभी चीजें खाने वाली ही हैं। तो और बॉडी को क्या चाहिए? एक्सरसाइजेस। आपको जानना बहुत जरूरी है, जब भी आप एक्सरसाइजेस करते हो तब तब आपके ब्रेन में न्यू सेल्स बनते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है उससे खून ज्यादा रफ्तार से ब्रेन में फ्लो करता है और आपका माइंड शार्प होता है। तो डेली 30 से 45 मिनट रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या डांस कर सकते हो। मींस वही एक्सरसाइजेस करनी है जिनसे कि हार्ट रेट तेज हो जाए। कुछ जंपिंग जैक्स भी कर सकते हो और 30 मिनट वॉक तो जरूर करना है। हाँ बस यही चीजें करनी है आपको, बहुत सी फालतू चीजें नहीं करनी, बस ये मेन चीजें आपको पकड़नी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम मान लेते हैं कि आपने ये सब बढ़िया बढ़िया फूड्स भी खा लिए और एक्सरसाइजेस करके बॉडी को ऐसा बना भी लिया जिसमें कि अब हाई लेवल वाला ब्रेन डेवलप हो सके। तो अब टाइम है वो चीजें देखने का जो डायरेक्ट आपके ब्रेन पर असर डालेंगी, माइंड पावर को इंक्रीज करेंगी, मतलब कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस और कुछ अलग अलग तरह की हिडन चीजें। तो ब्रेन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैं हमेशा बताता हूँ वो है मेडिटेशन। इसके बिना आप कुछ भी कर लो सब वेस्ट है, ये वो चीज है जो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो चाहे 10-15 मिनट ही करो लेकिन मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसे मत छोड़ना। ये आपके दिमाग की वो चाबी है जिसके बिना एक भी ताला नहीं खुलने वाला, मास्टर की यही है। आप कोई भी काम करने के लिए कौन सा हैंड यूज करते हो, राइट या लेफ्ट? अगर राइट करते हो तो अब से लेफ्ट करना स्टार्ट करो, अगर लेफ्ट करते हो तो राइट करना स्टार्ट करो। मतलब दिन के कुछ घंटे आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल करो। हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन अब ब्रेन पावर बढ़ानी है तो करना तो पड़ेगा ही, और ये रियली आपके ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। च्युइंगम आपकी मेमोरी के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो दिन में 10-15 मिनट च्युइंगम जरूर चबाएं। ये जो लिखा है क्या आप ये पढ़ पा रहे हो? और अभी हाँ अभी भी पढ़ पा रहे हो लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको यही करना है, कोई भी बुक या किसी भी चीज़ को उल्टा करके पढ़ना है। ब्रेन में ऑलवेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है जो कि पानी पीने से और भी ज़्यादा तेज हो जाती है, तो आपको जितना हो सके दिन में उतना पानी पीना है। ये चेक करने के लिए कि कितना टाइम हुआ है कभी भी क्लॉक या मोबाइल का यूज़ मत करो, मेंटली अवेयर रहो बाहर के एनवायरनमेंट को देखे कि अभी कितना टाइम हुआ होगा। 15 से 20 मिनट योग निंद्रा जरूर करो, इससे आपके ब्रेन की एनर्जी बहुत ही जल्दी फुल हो जाती है। योग निंद्रा में आपको बस लेट के बॉडी और माइंड को रिलैक्स स्टेट में ले जाना होता है, इसके बारे में आप इंटरनेट से और भी पढ़ सकते हो।
देखो, हर एक पर्सन की एक आदत होती है कि वो इसी तरीके से किसी चीज को समझ सकता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं मोस्टली सुनकर किसी चीज को जल्दी समझ लेता हूं, एज कंपेयर टू अगर वही चीज मैं बुक में पढूं तो मुझे समझ नहीं लगेगा। तो आपको करना ये है कि आप जिस तरह से समझ लेते हो वो तो ठीक ही है, आपको दूसरी तरह से समझना सीखना पड़ेगा। यानी मान लो आप किसी चीज को सुनकर कम समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, तो आपको वही करना है। ये तो चलो सीखने की बात हो गई, मतलब कोई भी चीज जो आप नहीं कर सकते वो करने की ट्राई करो, क्योंकि सबका ब्रेन अलग अलग तरह से वर्क करता है। कोई किसी चीज को अलग तरह से करता है तो कोई वही चीज को दूसरी तरह से करता है, लेकिन आपको सब तरह से करना सीखना है, तभी तो आपका ब्रेन नॉर्मल इंसान से बढ़कर काम करेगा। कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज मत करो, खुद ही दिमाग में उसको सॉल्व करो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसके साथ ही फोन नंबर्स को याद रखने की भी कोशिश करो, और ये दोनों चीजें आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। अपने रूटीन को अलग अलग बनाओ, मतलब रोज ही सेम चीजें मत करो। अपना रोज का रूटीन और स्केड्यूल सेम मत बनाओ, वो आपको कभी भी ग्रो नहीं होने देगा। रोज ब्रेन को कुछ डिफरेंट रूटीन दो। ब्रेन गेम्स, अब वो आप मोबाइल पर भी खेल सकते हो और नॉर्मल भी, जैसे चेस हो गया या और भी काफी सारे गेम्स। आप इंटरनेट पर ब्रेन गेम्स करके सर्च करोगे तो आपको बहुत से गेम्स मिल जाएंगे, और वो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं और ब्रेन को स्लो होने से रोकते हैं। रोज एक न्यू चीज सीखने की कोशिश करो, वो चीजें जिनको आपने कभी जानना ही नहीं चाहा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारी वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि हम रोज सुबह 7 बजे 1 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह की रियल नॉलेज आपको रोज दी जाती है, और 1 मिनट में रोज कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिले तो और क्या चाहिए। अल्फाबेट्स को उल्टा बोलने की कोशिश करो, जैसे यहाँ पर लिखा है कैब, तो इसको उल्टा पढ़ोगे तो ये बनेगा पैक, कुछ इस तरह से करना शुरू करो। विजुअलाइजेशंस माइंड पावर बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आप मेडिटेट करते टाइम विजुअलाइज कर सकते हो कि यूनिवर्सल एनर्जी आपके ब्रेन में एंटर हो रही है और आपका ब्रेन एक्टिव हो रहा है। कुछ इस तरह से की गई विजुअलाइजेशन बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे देगी। आप जो काम डेली करते हो, मतलब जो आपकी रूटीन है कि ये काम करने ही करने हैं रोज, वो तो आप फटाफट से कर लेते होंगे, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप वही सेम काम फटाफट से ना करो, मतलब वो सभी काम स्लो करो, और काम करते टाइम दिमाग को बहुत ज्यादा अवेयर रखकर वो काम करो। जैसे एक ग्लास पानी का भी उठाना है तो बहुत फोकस से, जैसे कि कोई न्यू काम कर रहे हो। हम लोग सारा दिन मोबाइल या लैपटॉप या गेम्स में लगे रहते हैं, तो खुद को थोड़ा टाइम दें जब आप इन चीजों से थोड़ा दूर किसी शांत जगह बैठें। मतलब मेन चीज नेचर के क्लोज रहें और उसकी एनर्जी को थोड़ा खुद में फील करें, इससे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ल्यूसिड ड्रीम या एस्ट्रल ट्रैवल अगर आप कर सकते हैं तो उसे जरूर करते रहें, अगर नहीं भी कर सकते तो प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि ये दो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस को बहुत ही हायर स्टेट पर फोकस कर देती हैं। जब आप सुबह उठते हो तब उठते ही जरा दिमाग पर जोर डालो और सोचो आप अभी कौन सा ड्रीम देख रहे थे, क्या कर रहे थे उसमें, क्या देख रहे थे। मतलब अपने सपने को याद करो, रिकॉर्ड करो सपनों को, क्योंकि सपने हम सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं, तो ये चीज सबकॉन्शियस माइंड को और भी पावरफुल बनाती है। आप स्लीप मेडिटेशन कर सकते हो, वो ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज है। स्लीप मेडिटेशन में आप थोड़ी जागृत अवस्था में रहते हो, लेकिन आपके ब्रेन को नींद से कहीं ज्यादा एनर्जी मिल जाती है और आप साक्षी भाव में रहते हो। आप डिफरेंट लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कोई फॉरन दूसरी कंट्री की लैंग्वेज जो आप नहीं जानते उसे सीखना शुरू कर दो। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो, शांत रहना सीखो, कोई आपको कितना भी चिढ़ाए आपको कोई फर्क ही ना पड़े, इससे आपका इमोशन कंट्रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जो लाइन लिखी हुई है इसे आप कितना तेज पढ़ सकते हो, 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 1 मिनट में, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन किस स्पीड से इन वर्ड्स की प्रोसेसिंग कर रहा है, कितना फास्ट है। तो आपको जितना हो सके उतना तेज पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं जाना, उसको साथ में समझना भी है। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस भी जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपका ब्रेन काफी फास्ट एक्शन लेगा हर चीज के ऊपर। आप क्राउन चक्रा पर मेहनत कर सकते हो, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है। अगर आप उस पर मेहनत करते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप जिंदगी में क्या क्या पालोगे, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो इस चीज को। आप कोई ऐसा काम करने की ट्राई करो जिसमें आपको लगे कि यार इसमें मुझसे गलतियां बहुत होंगी, और जितनी गलतियां होंगी वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका दिमाग गलतियों से बहुत कुछ सीखता है लेकिन सफलता से कुछ नहीं, और ये चीज जरूर ट्राई करना।
और लास्ट ये सब मैंने जितनी भी चीजें बताई इन सबको करने में इतना ना उलझ जाएं कि आपका ब्रेन बिल्कुल हैंग कर जाए। ब्रेन को अवेयर रखकर सब समझें और अवेयर रहकर करें। ध्यान रखना इन चीजों में फंसना नहीं है, क्योंकि अगर फंस गए तो ब्रेन एक ही जगह स्टक कर जाएगा और ये चीजें ब्रेन पावर को टॉप लेवल पर लेके जाने के लिए है, ना कि हैंग करने के लिए। सो आराम से और कंफर्टेबल होके इन चीजों को परफॉर्म करना। तो शायद मैंने काफी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तो अब आप वीडियो को एक बार और रिपीट देखकर अच्छे से इसको समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक एक स्टेप को सुनकर और समझकर करना बहुत जरूरी है। तो अब आप वीडियो को बैक करो और जो स्टेप आपको ज्यादा अच्छा लगे, आपको अपने लिए कंफर्टेबल लगे, उन स्टेप्स की अपने पास एक लिस्ट बना लीजिए और वो चीजें परफॉर्म करें। एंड पूरे एक मंथ बाद यही इस वीडियो पर आकर कमेंट में बताना कि आपको क्या चेंजेस देखने को मिले और आपने कौन से पॉइंट्स अपने लिए चुने हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताना है। एंड हमारी डेली की इंटरेस्टिंग मॉर्निंग वीडियोस जो कि फैक्ट बिल सीरीज से होती हैं, उनसे रोज न्यू नॉलेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।